आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक वर्गीकृत बारंबारता आवृत्ति बंटन को आलेख रूप से निरूपित करने की एक अन्य विधि आवृत्ति बहुभुज है। आवृत्ति बहुभुज की रचना के लिए प्रत्येक वर्गांतर पर आयत चित्र बनाया जाता है और आयत की ऊपरी भुजा के मध्य बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिला दिया जाता है। इसमें अनेक भुजाएं होती हैं, इसी कारण इसे आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। आवृत्ति बहुभुज दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला, आवृत्ति आयतचित्र की सहायता से बाय हिस्टोग्राम, और दूसरा प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। आवृत्ति आयतचित्र की सहायता से आवृत्ति बहुभुज बनाना, कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय हिस्टोग्राम, सारणी क्रमांक 9। 5 से 10 वर्ग की आवृत्ति 2 है, 10 से 15 वर्ग की आवृत्ति 5 है, 15 से 20 वर्ग की आवृत्ति 7 है, 20 से 25 वर्ग की आवृत्ति 4 है, 25 से 30 वर्ग की आवृत्ति 3 है। इस विधि में निम्न चरण हैं। चरण 1, सर्वप्रथम आवृत्ति वितरण से आयत चित्र बनाइए। चरण 2, प्रत्येक आयत के ऊपरी भाग के मध्य बिंदु क्रमशः बी सी डी ई एफ अंकित कीजिए। सरल रेखाओं की सहायता से मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाइए। चरण 3, अब एक्स अक्ष पर आयत चित्र के दोनों ओर एक एक कल्पित वर्ग लीजिए और उनके मध्य बिंदुओं को पूर्व प्राप्त मध्य बिंदुओं से जोड़िए। यहाँ पहला वर्ग 5 से 10 है, अतः इससे पहले आने वाला कल्पित वर्ग 0 से 5 का मध्य बिंदु 2.5 होगा। इसी प्रकार अंतिम वर्ग 25 से 30 है, इसके बाद आने वाला कल्पित वर्ग 30 से 35 का मध्य बिंदु 32.5 होगा। इस तरह ए बी सी डी ई एफ जी अभीष्ट आवृत्ति बहुभुज है। सोचें एवं चर्चा करें। आवृत्ति बहुभुज का क्षेत्रफल व आयत चित्र का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्यों? संकेत, सर्वांगसम त्रिभुज के गुणों का प्रयोग करें। प्रत्यक्ष विधि द्वारा आवृत्ति बहुभुज बनाना, कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय डायरेक्ट मेथड, सारणी क्रमांक 10। 5 से 10 वर्ग की आवृत्ति 2 है, 10 से 15 वर्ग की आवृत्ति 5 है, 15 से 20 वर्ग की आवृत्ति 7 है, 20 से 25 वर्ग की आवृत्ति 4 है, 25 से 30 वर्ग की आवृत्ति 3 है। इस विधि के चरण इस प्रकार हैं। चरण 1, सर्वप्रथम प्रत्येक वर्गांतरों के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। 5 से 10 वर्ग की आवृत्ति 2 और उसका मध्य बिंदु 7.5 हुआ। 10 से 15 वर्ग की आवृत्ति 5 और उसका मध्य बिंदु 12.5 हुआ। 15 से 20 वर्ग की आवृत्ति 7 और उसका मध्य बिंदु 17.5 हुआ। 20 से 25 वर्ग की आवृत्ति 4 और उसका मध्य बिंदु 22.5 हुआ। 25 से 30 वर्ग की आवृत्ति 3 और उसका मध्य बिंदु 27.5 हुआ। चरण 2, एक्स अक्ष में इन मध्य बिंदुओं एवं वाई अक्ष में इनकी आवृत्तियों को अंकित कीजिए। चरण 3, प्रत्येक मध्य बिंदु के संगत आवृत्तियों को ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए। बी सी डी ई एफ बिंदु मिलेंगे। चरण 4, प्रथम वर्ग के पहले काल्पनिक वर्ग
शून्य से पाँच के मध्य बिंदु 2.5 को एक्स अक्ष पर प्रदर्शित कीजिए, बिंदु ए। इसी तरह अंतिम वर्ग के बाद एक और काल्पनिक वर्ग 30 से 35 के मध्य बिंदु 32.5 को एक्स अक्ष पर प्रदर्शित कीजिए, बिंदु जी। इन्हें एक्स अक्ष पर लेने का अर्थ है इनकी बारंबारता शून्य है। चरण 5, आवृत्तियों के अंकित बिंदुओं को सरल रेखा से मिलाइए। चरण 6, इस प्रकार बनी आकृति ए बी सी डी ई एफ जी आवृत्ति बहुभुज कहलाती है। नोट, आवृत्ति बहुभुज द्वारा मूल्य वृद्धि एवं गिरावट का स्पष्ट संकेत मिलता है। इसके माध्यम से वर्ग के किसी भी मान के लिए आवृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे x अक्ष में 15 के लिए आवृत्ति का मान 6 होगा।